गुड मॉर्निंग निशा, इट्स योर गो, प्लीज कंप्लीट द राउंड। निधि थैंक यू निधि। हु कैन नॉट डांस, दे कैन नॉट डांस। कंप्लीट द प्रोसेस। डांस कौन नहीं कर थैंक सकता? इट इज अपसाइड सॉरी डाउन, कम अगेन। डांस कौन कौन नहीं कर सकता? डांस कौन नहीं कर सकता? अब देखो रोशनी मुंडे हिला रही, जबकि उसने भी कौन कौन ही बोला था, रिकॉर्डिंग में है। कौन डांस नहीं कर सकता? सो देयर यू आर, वे डांस नहीं कर सकते। यू कैन आस्क मी, सर हु कैन नॉट डांस? माय बेलखेड़ा वाले फूफा जी कैन नॉट डांस। सर कौन डांस नहीं कर सकता है? मेरे बेलखेड़ा वाले फूफा जी डांस नहीं कर सकते। अब एक प्रयास और करते हैं निधि। बी प्रेजेंट वाला पेज खोलना जरा। और रोशनी बताना कितने पेज छोड़ने को बोला था। सर 14 सेंटेंस हो गए हैं। पेज कितने छोड़ने के लिए बोला था? सर वन पेज बोला था अलट पलट कर। निधि ऐसे में मतलब ऐसे निधि तुम्हें याद है? निशा तुम्हें याद है? सर मेरा भी ओनली वन पेज है। अच्छा सर आई लेफ्ट टू पेजेस। वन ये इधर आएगी भी पास्ट की। चलो अब तुम्हें जैसे सुविधा हो उसको अच्छे से मैनेज कर लेना। चाहो तो एक पेज और उसमें जोड़ लेना, जगह कम पड़े तो बाद में फेविकोल से अलग से एक पेज जोड़ सकती हो कहीं और दूसरे जगह से निकाल के। इसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं इसलिए अभी तो लिखो। उसमें दूसरी तरफ का खाली है ना रोशनी, अभी उसमें कुछ भी नहीं लिखा है बेटा, अनम्यूट करके बताओ। हाँ हाँ सर, ये भी खाली है और ये। हाँ दो पेज तो छोड़े हैं रोशनी, एक बार फिर से पलटाओ। पहले हेडिंग दिखाओ जरा। सर बी पास्ट। अच्छा बी पास तो आ गया। चलो कोई बात नहीं, चाहो तो तुम एक एक्स्ट्रा कुछ रफ कॉपी जैसा बना सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो, उसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब हमें इंग्लिश बोलना होगी तो हम रजिस्टर से नहीं बोलेंगे, है ना? तो जैसा सुविधाजनक हो वैसे लिखो। तो पीछे का जो पेज खाली है उसमें एक साइड हेडिंग लिखो।
रीड दिस Be present as present simple. Translate it. Be present. Present simple ki tarah. रश्मि तुम भी एक बार बोल दो. Be present as present simple. Be present, present simple की तरह है. Rupalji, what is the identification of present simple? The identification should be present simple. जो वर्तमान में हो रहा है. Thank you. Mute yourself. Nisha, what is the identification of present simple? The identification present simple जो present में हो रहा है. Thank you. Mute yourself. Roshni, what is the identification of present simple tense? The identification of present simple tense is करता है, करते, करती है, करते हैं. Thank you. And so on. And so on. अब ये सवाल एक बार तुम निधि से पूछो. निधि दीदी, what is the identification present simple tense? The identification of was of present simple tense is वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं. Thank you. निधि एक बार इन लोगों से करवा ले, है ना. रूपल जी से पूछ के देख लो, सही उत्तर दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं. रूपल जी, व्हाट शुड बी द व्हाट व्हाट इज द हाँ शुड तो हम तब लगाते हैं जब कोई चीज नहीं दी होती है. जो लिखवाई दी है उसमें तो इज. ओके सर. रूपल जी, व्हाट इज द आईडी identification of present simple. The identification present simple of the ta hai, te hai, tu hai, so on. Rupal ji, actually aap aadhi dikh rahi ho, pura face nahi dikh raha aapko. Now you are clear. Neha, Nisha, what is the identification? What is the identification? Present simple of present simple. The identification in present identification in present simple. वाक्य के अंत में ताहु, ता है, ती है, ते है, आते हैं. रोशनी,
व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट सिंपल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस वॉज वाक्य के अंत में ता है ती है ते है एंड सो ऑन निधि दीदी व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल इज वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं आदि शब्द आते हैं दिया थैंक यू। इसके बाद वाले बैच में हमने एक परिवर्तन किया है निधि, कुछ बच्चे आखिरी में ताहे देखकर कंफ्यूज होते हैं, तो तुम्हारे बैच के बाद वाले बैच से हमने शुरुआत की है। ऐसा पूरा शब्द लिखवाने लगे हैं, करता है। सर ये हम लोगों को भी लिखवाया है आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि अगर हम कैन का सेंटेंस देखें तो उसके अंत में भी ता है, लेकिन बस ये शब्द और जुड़ जाता है सकता। तो हमने जैसा कि रोशनी ने बता दिया, अच्छा किया, थैंक यू रोशनी, तुमने सही बताया। तो इतना पूरा पूरा लिखवाने से आप कैन में कभी आइडेंटिफिकेशन तो हम लिखवाते नहीं, इसी के फॉर्मूले से अपन शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी को अपनी खुद के लिए लिखना हो तो वो लिख सकता है, क्योंकि इसके अंत में भी ता है आता है नीली, है ना। ये देखो, बस किसी काम के कर सकने की बात इसमें दिखाई देती है, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो कैन हो जाता है। और कोई काम रोज रोज करता है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप लोग खाना बनाते हो, पूजा करती हो, घर चलाती हो, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाता है। अब ये जो हम सेंटेंस दे रहे हैं, बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस से, एकदम स्मॉल सेंटेंसेस, और ये निशा के चलते रूपल के चलते दे रहे हैं, कि इससे इनका कॉन्फिडेंस अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है। पहला सेंटेंस लिखो इसमें, ये साइड हेडिंग है, सब हेडिंग है, उपशीर्षक कहते हैं इसको हिंदी में, उपशीर्षक। मुख्य शीर्षक तो बी प्रेजेंट है, उसके पीछे वाले पेज में लिखना या अभी रफ में लिख लो, जहां इच्छा हो लिख लेना। पहला सेंटेंस लिखो, खून लाल होता है। सॉरी सर, प्लीज कम अगेन, सीसी ऑन नहीं था मेरा। रोशनी प्लीज रिपीट हिंदी। खून लाल होता है। थैंक यू निधि, रिपीट हिंदी। खून लाल होता है। अभी मुझे थोड़ा सा हंसी आ रही थी निशा के एक्सक्यूज पे, क्योंकि गूगल हिंदी पूरा सही लेता ही नहीं है, तो उसमें वैसे भी नहीं समझ में आता, लेकिन चूंकि हमें हैबिट हो जाती है ना एक्सक्यूजेस की, वी आर हैबिचुअल ऑफ एक्सक्यूजेस, सो विदाउट थिंकिंग वी पुट वन एक्सक्यूज। ओके, हम कहीं से भी शुरू करते हैं, अब ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस देंगे। देखो इसके अंत में क्या आ रहा है, अब हम दो तीन सेंटेंस और दे देते हैं। राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लीविंग वन लाइन, एक लाइन छोड़ के अगला वाक्य लिखिए। आसमान नीला होता है।
आसमान नीला होता है, राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. कोयला काला होता है, पूर्ण विराम. राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. घास हरी होती है, राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. पानी रंगहीन होता है, पानी रंगहीन होता है. राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. कौआ काला होता है, राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. सच कड़वा होता है, राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है. राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है. राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लिविंग वन लाइन. राजा हमेशा सही होता है, राजा हमेशा सही होता है. अभी यहाँ विराम देते हैं, इसी तरह के कुछ और सेंटेंस अगली बार देंगे. तो रोशनी, ये सब सेंटेंस देख के क्लियर हो गया ना कि ये साइड हेडिंग हमने क्यों लिखवाई? बताओ एक बार, थोड़ा अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बताओ. सर, जिसके अंत में ता आता हो, होता मतलब कर, मतलब किसी भी काम होता हो या करता हो. ठीक है, थैंक यू. म्यूट योर सेल्फ. निधि के मुंह से सुनते हैं वो क्या अपने शब्दों में. सर, किसी कार्य का होना बताया जा रहा है और बाकी के अंत में ता आ रहा है. वेरी नाइस. अब निशा के मुंह से सुनते हैं. सर, किसी कार्य को बताया जा रहा है और लास्ट में ता आ रहा है. थैंक यू. अब रूपल के मुंह से सुनते हैं. किसी भी किसी के भी रंग और किसी भी कलर और कार्य को बताता है जिसके अंत में ता आता है. थैंक यू. अब एक बार मुझसे सुन लीजिए. ये सारे वाक्य बी प्रेजेंट के हैं, किंतु इनकी पहचान प्रेजेंट सिंपल जैसी दिख रही है. तो यहाँ हम प्रेजेंट सिंपल के तहत बी प्रेजेंट में बनने वाले वाक्यों को देखने जा रहे हैं, जो दिखते तो प्रेजेंट सिंपल की तरह हैं, लेकिन बनेंगे बी चैप्टर में.
और जिसके अंत में प्रेजेंट सिंपल जैसी आइडेंटिफिकेशन ता है ती है दिख रही है। तो वाक्य सारे बी प्रेजेंट के हैं, बी प्रेजेंट के आधार पे बनेंगे, लेकिन लग ऐसे रहे जैसे प्रेजेंट सिंपल के हों। और ये वाला हिस्सा जैसे आप अच्छे से इस पे कमांड हासिल करते हो, निधि ये तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं, अभी तुम्हारी कमांड भी बहुत अच्छी इस पे नहीं आई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। होता क्या है, जब हम हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं तो हम केवल आइडेंटिफिकेशन देख के आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे निशा इसको ध्यान से सुनना, रूपल ध्यान से सुनना, कि अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी बनाई होगी तो वो हिंदी को देख के तो नहीं बनाई होगी, ये जाहिर सी बात है। वो तो हम जैसे टीचर्स को या जो भी इंग्लिश पढ़ाता है और हिंदी माध्यम से पढ़ाता है, मीडियम हिंदी रहता है, तो उसको ये सावधानी रखनी होती है कि बच्चों को किस तरह से समझाएं कि इस वाक्य का किस तरह से हो सकता है। तो हमेशा एक सी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं होगी, ये आप अच्छे से मान के चलिए, उससे मिलती जुलती होगी और हमें कभी कभी पहचानने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभ्यास करते करते वो चीज दूर हो जाती है। और अभ्यास का मतलब, हम फिर से एक बात बहुत दिनों बाद कहने वाले हैं, हम होमवर्क नहीं देते। क्यों नहीं देते? आप लोगों को होमवर्क की ज्यादा आदत है, हो सकता है आप लोग में से एक दो लोगों की प्रोग्रेस इसलिए नहीं हो रही हो क्योंकि उनको शायद होमवर्क की ज्यादा आदत है, होमवर्क करके ही वो समझ पाते हैं चीजों को। लेकिन मैं जो सिखा रहा हूँ वो घर में प्रयोग करने वाली चीज सिखा रहा हूँ, मैं फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री कॉमर्स ये सब तो नहीं सिखा रहा हूँ, बॉटनी जूलॉजी कि मैं आपको होमवर्क दूं आप उसको रट लो और उसके बाद दूसरे दिन मुझे सुनाओ, फिर मैं उसको चेक करूं, फिर वेरी गुड लिखूं, आप खुश हो जाओ। तो अब पता नहीं आप में से कुछ लोग अपने घर में, हम आपके घर में आके देख तो नहीं सकते कि आप इसको यूज करते हो कि नहीं। हाँ, यहाँ पे हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं कि जैसे अभी निशा का ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति की ओर बार बार जा रहा है, तो ये चीजें बस मैं नोट कर पाता हूँ। लेकिन अब आप, और हाँ एक बहुत अच्छी बात है कि जिसके घर में छोटे बच्चे हों उसके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो सकती है अगर वो अपने बच्चों से बात करे, और विशेषकर अगर वो माँ है तो उसके लिए बहुत जल्दी सीखने की इसमें गुंजाइश रहती है। और एक और चीज हो सकती है, जैसे रूपल जी का उदाहरण ले लेते हैं कि वो अपने सर्वेंट से अगर बोले व्हाट आर यू डूइंग, तो वो तो आपको टोकने से रहा, कम हियर, हाँ व्हाट डू यू वांट, ओके, ऐसे कुछ छोटे छोटे सेंटेंस अगर वो प्रयोग करने लग जाए तो वो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेरे ख्याल से नहीं आएंगी। लेकिन पता नहीं, जैसे हम चलिए रोशनी से पूछते हैं, रोशनी तुम कितना प्रयोग कर लेती हो इंग्लिश का घर में? सर नहीं कर पाते सर, क्लास में ही जितना कर लूं। ओके, बाकी सर मैं खुद में मतलब मिरर के सामने खड़े होके मैं सेंटेंस बनाती रहती हूँ, मतलब इस टाइप से करती हूँ मैं। वेरी नाइस, गुड, ये भी सबसे अच्छा तरीका है। जैसे खाली टाइम बैठे हैं तो सोचते रहते हैं सेंटेंस बनाना, बाकी किसी से बोलती नहीं हूँ। नहीं, ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है रोशनी, सोचते रहना। अब तुम इतनी अच्छी बात, जैसे कुछ भी काम किया है या किस बोला है तो उसको सोचती कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो प्रैक्टिस करती रहती हूँ। दिस इज गुड। निधि, रूपल जी डिस्कनेक्ट हुई हैं, तो जब तक वो आती हैं थोड़ा सा अपना अनुभव भी हल्का से कुछ बताओ। सर हम तो खूब यूज करते हैं, बेझिझक यूज करते हैं।
आधी हिंदी आधी इंग्लिश करते हैं, अब क्या बता। तक थोड़ा सा फीडबैक निशा से भी ले लेते हैं, अगर फ्री हो निशा तो। सर करती हूँ, कुछ हिंदी में बोलती हूँ कुछ इंग्लिश में, जैसे कि वैदी वाई आर यू सैड बेटा, वो ऊधम करती हूँ वाई आर यू ऊधम, अब ऊधम का एकदम से इंग्लिश नहीं आता तो वो ऐसा बोल देती हूँ, तो आई विल यू बीट या वाई आर यू लफिंग, बहुत से शब्द हैं जो यूज कर लेते हैं, और जो नहीं आता तो उसको हिंदी में बोल देती हूँ। अच्छा, तुम्हें एक सुझाव देते हैं निशा, म्यूट कर लो। एक व्हाट्सएप नाम का ऐप होता है, उसमें मैं तुम्हें एक चीज करके दिखाता हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। मैं दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन मान लो किसी को टाइपिंग में दिक्कत है, वो टाइप नहीं कर पाता है, ठीक है? इसके लिए तुम लोग को थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल वर्टिकल करना होगा, यानी आड़े की जगह सीधा कर लेना होगा। थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल को सीधा कर ले। ये मैंने गूगल खोल लिया है, सॉरी गूगल नहीं, मैं गलती से गूगल में चला गया, इसको हटा रहा हूं। मैं व्हाट्सएप पे पहुंच रहा हूं। मैंने अपनी ब्लैक स्क्रीन करके रखी है, शाम को ऐसी हो जाती है। अब मैं आपके बैच में मान लो कुछ टाइप करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे से स्पेलिंग नहीं बनती, ठीक है? तो ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं नीचे, जो मैंने ब्लू कलर करके रखा है, उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए, एक पृथ्वी का निशान बना हुआ है, ग्लोब, उसको मैं टच कर रहा हूं। तो अब बोर्ड हिंदी इंग्लिश का हो गया। अब मैं यहाँ पे दाहिने तरफ, जहां से मैंने मोबाइल पकड़ा है, वहां मेरा अंगूठा है, वहां एक माइक का निशान दिखाई दे रहा है, मैं उसको दबा रहा हूं। वैदेही, तुम उधम क्यों कर रही हो? वैदेही, तुम उधम क्यों कर रही हो? अच्छा, जब गूगल में होता है तो ये लेता नहीं है, ये अभी वैसा टाइप नहीं कर रहा है जैसा मैं कर लेता हूं। 1 मिनट में फिर कोशिश करता हूं। वैदेही, तुम उधम क्यों कर ही हो, लेकिन उसमें हिंदी लिखा हुआ बस आ रहा है, अब बोलने लिखा हुआ आ रहा है। शुरू हो रहा है, अब बोले ही तुम उधम क्यों करती हो, अभी नहीं ले रहा है, गूगल मीट के दौरान शायद ये नहीं लेता है। लिखा हुआ हेलो, 1 2 चेक, हेलो हेलो चेक। वैदेही, तुम उधम क्यों कर रही हो? इसका तुम प्रयोग करके देख सकते हो, हम इसका एक वीडियो बना के भेज देंगे, अभी तो ये नहीं ले रहा है, गूगल मीट के दौरान शायद नहीं लेता है, तो मैं बैक हो रहा हूँ। अब मोबाइल को मैं फिर से हॉरिजॉन्टल कर रहा हूं। कैन आई रिसीव कॉल वेरी अर्जेंटली? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। प्लीज सर, आई हैव टू गो, ओनली 2 मिनट्स। ओके, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? सर फर्स्ट सेंटेंस, सर आई हैव टू मेक दिस सेंटेंस।
sorry, I was. Who has to make the first sentence? So I have to make first sentence. Who has to make the first sentence? I have to make the first sentence. Go ahead. फर्स्ट सेंटेंस खून लाल होता है फर्स्ट इट इज एन सेकेंड लाइन दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू अफर्मेटिव सेंटेंस सॉरी दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू बी प्रेजेंट एस Present simple tense. Be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is blood. Later on, I will take the helping verb, and the helping verb is. Lastly, I will take the object adjective and noun adverb little mystery little lastly I will take the object Sorry. Keep trying, no problem. Because there are only two guys. Later on, I will take the object. Okay, no problem. Roshni, you can mute yourself. I'm inviting Nidhi. In this pretense, Nidhi will get a chance. Well, your voice is chopping. I muted myself and unmuted now. Tell me, is it clear? Sir, little chopping. So I am disconnecting and connecting again. क्या होगा निधि दीदी? Yes. क्या होगा उसको क्या बोलेंगे Which one? Hello, check 1, 2, 3. Now? Yes, I am clearly audible. Clearly audible. Thank you. So, in this pretense, Nidhi will get one more chance to make sentence. Let me ask the question. Who has to make this sentence? I have to make sentence. This sentence, sir, you are not visible. Are Roshni, am I visible to you? Yes, sir, you are visible to me. It is your network. Nidhi, the voice is dropping. Yes. रेड बटन को दबा के फिर वहीं से स्क्रीन पे रीज्वाइन कर सकते हैं रीज्वाइन लिखा हुआ आता है ऐप से बाहर ना जाए निधि दीदी गुड मॉर्निंग Actually, she's trying to connect again. She double joined. Am I audible? But your reception is not clear. But you are clearly audible. Come again. Am I audible?
Your voice is chopping. I have to make a sentence. This sentence is related to present. It is an affirmative sentence. Firstly, I take subject, and the subject is blood. Later on, I will take the main verb, and the main verb is. And lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is red. There. Nidhi, can you surely tell me what is red? Red is adjective or noun? What is it? Sir, red is adjective. Yes, you are right. All the colors are adjectives. All the colors are adjectives, but your picture is lagging, Nidhi, and voice is chopping. Okay, now same to same sentence, Roshni, you make again. So this sentence, so I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is blood. Later on, I will take the main verb, and the main verb is. Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective or noun is red. चलो आप क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं, देखते हैं निधि का रिसेप्शन कैसा है. निधि, इज ब्लड रेड? रेड, यस, ब्लड इज रेड. एक्चुअली मैं निधि से पूछ रहा था, बट ओके, यू आर राइट. रोशनी, क्या खून लाल होता है? हाँ, खून लाल होता है. निधि दीदी, निधि दीदी, इज ब्लड रेड? रोशनी, अपन एक काम करते हैं, कोई तुम्हें भी बुला रहा है, आज अपन इसको यहाँ विराम दे देते हैं, और कोई है भी नहीं, है ना? तो रोशनी को, निधि को भी बताते हैं, निधि आज हम इसको यहाँ रोक रहे हैं,